अभिनाश हैं पटना से, स्वागत है अभिनाश जी। जी मैडम नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। आदाब आदाब। बताएं अभिनाश जी, सवाल करें। जी सर, हमको कमर में दर्द रहता है तकरीबन 15 साल से। जी। और हम अंग्रेजी भी दवा खाएं तो ठीक रहा, डॉक्टर साहब से दिखाएं, एमआरआई करवाएं, सब पूरा हुआ। दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि दवा छोड़ दीजिए, अब ठीक हो गया तो छोड़ देते हैं, माने ठीक होने के 3 महीना 4 महीना बाद तक खिलाते हैं दवा, ठीक हो जाता है। और कुछ दिन के बाद धीरे 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 फिर पीठ का दर्द चालू हो जाता है, और कभी लगता है कि इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, रेफर पेन टाइप के होता है, और फिर शरीर पीठ अंकड़ा हुआ टाइप के रहता है। तो आप बहुत मेहनत करते थे, आप बहुत तो मेहनत करते थे आप? जी सर। आप बहुत मेहनती आदमी रहे हैं क्या? जी सर, हम सर ऐसे ड्राइवर हैं सर, गाड़ी चलाते हैं तो 3-3, 4-4 घंटा लगातार पटना टू रांची, पटना टू दिल्ली भी जाते हैं, या तो उसमें तो चलना पड़ता है सर। उम्र कितनी है? ये लगभग 45 सर। देखिए जितने भी मेहनती लोग हैं उनको ये बीमारी होती है, लेकिन जब आप सफ़र में हो, गाड़ी ले जाते हैं, या कोई भी आदमी जब ऐसा काम करे जिसमें बहुत मेहनत हो, तो अगर 5 दिन मेहनत है तो 5 दिन एक एक कैप्सूल उसका खा लिया करें, ताकि वो फिर डिस अपनी जगह पर रहे। ये डिस में अपनी जगह से डिस को स्लिप होने की वजह से ये दर्द होता है, और ये आप अपने पास रखा करिए, और जब दर्द हो 10 दिन खा लिए लगातार और फिर छोड़ दें। और जब आप मशक्क़त ही नहीं रहेंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो ये दर्द नहीं होगा, लेकिन अभी आप पर जिम्मेदारी है, आप ये 1 महीने में 10 दिन खाया करें और तंदुरुस्त रहा करें। वज़न उठाना आपके लिए बिल्कुल मना है, नहीं तो ये बात ऑपरेशन तक पहुंच जाएगी। वज़न उठाना बंद कर दिए। मैं जानता हूं कि गाड़ी चलाने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपनी इस्तेतात से ज़्यादा, अपने वजूद से ज़्यादा मेहनत भी कहीं करनी पड़ जाती है, तो वो किसी और से कराइए, अपने आप को आप अपना खूब ख्याल रखिए।